अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम ये अरेबियन पेनिनसुला के दरवाजे पर पहुंचा। इसने कहा यहाँ आगे मैंने नहीं जाना, मुझे वापस मिस्र ले जाओ, यहाँ कुछ है ही नहीं। मुअर्रिखीन कहते हैं कि कोई इस जगह को फतह भी नहीं करना चाहता था, इन्वेड ही नहीं करना चाहता था, ऐसी जगह है। अल्लाह ये तूने अपना घर कहां बना दिया? ज़हन में सवाल पैदा होता है इंसान जब वहां जाता है, वह सारी दुनिया तेरी मखलूक है, ये दुनिया के खूबसूरत मनाजिर जहां जहां तूने बनाए हैं तूने ही तो बनाए हैं ना मेरे अल्लाह। हे अल्लाह अपना घर कहीं और बना लेता, वहां क्यों बनाया? एक आवाज आई, उसने फरमाया दिल फरेब मनाजिर देखने के लिए दुनिया में और जगह भी हैं, कोई मेरे घर में आए दुनिया का हुस्न देखने के लिए ना आए, वो सिर्फ मेरे लिए आए, मेरे हबीब के लिए आए, सिर्फ मेरे लिए आए, मेरे हबीब के लिए आए। अगर वो मनाजिर होते तो लोग दिल फरेब मनाजिर को देखने के लिए जाते, लोग उन चश्मों को देखने के लिए जाते, लोग उन नहरों को देखने के लिए जाते, लोग उस हरियाली को देखने के लिए जाते। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जो मेरे घर में आए वो खलूस के साथ फकत मेरे लिए आए और मेरे हबीब के लिए आए, और जब वो आ जाए, जब वो वहाँ पहुँच जाएगा और अपने दिल की आँख खोलेगा, ज़ाहरी आँख बंद कर लेगा, और जब उसके दिल की आँख खुलेगी फिर जो नज़ारे उसे नज़र आएंगे वो जानता है, उसका रब जानता है, रब का हबीब जानता है। फिर जब दिल की आँख खुलेगी गुंबद सब्ज के नज़ारे देखेगा, मस्जिद नबी की बहारें देखेगा, जब वो फिर तैबा की बहारें देखेगा, जब वो वहाँ जाएगा दिल की आँख खुलेगी, वो कहेगा मैं कहाँ आ गया हूँ, अरे ये तो रौदतुन मिन रियादिल जन्ना है, मैं तो समझता था दुनिया में आया हूँ, मैं तो जन्नत में बसेरे कर रहा हूँ। अच्छा एक वसवसा आपके जहन में भी पैदा हो सकता है, एक वसवसा पैदा हो सकता है कि अब तो तैबा में हरियाली आ गई है, अब तो तैबा में दुनिया आ गई है, अब तो तैबा में बुलंदो बाला इमारात हैं, अब तो तैबा में हर किस्म के होटल्स हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में दुनिया तो वहाँ आ गई है। तो याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, मेरे कलाम में कोई तजाद नहीं, कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। हरमैन शरीफैन में, मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में हमेशा फ़ख्र रहा, हमेशा सादगी रही, हमेशा सादगी रही। बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़ी बड़ी हुकूमतें आई, ऐसे ऐसे बादशाह भी हो गुजरे हैं जिनके पास बड़ी दुनिया थी, लेकिन कभी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा का रंग बदला नहीं। वहाँ हमेशा सादगी रही, हमेशा आजजी रही, हमेशा फ़क्र रहा। हाँ आज दुनिया आ गई है, आज दुनिया कैसे आई है वहाँ, आज दुनिया क्यों आई है? याद रखिए मोहतरमा हिब्बा, जहन में सवाल पैदा हो सकता है, आज वहाँ दुनिया है, आज वहाँ बुलंदोबाला इमारात हैं, 4000 साल बीत गए, बड़ी बड़ी इमारतें बादशाहों ने तामीर की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर की, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा में हमेशा सादगी रखी, हमेशा फ़क्र रहा, हमेशा आजजी रही, कभी दुनिया वहाँ नहीं आई, आज दुनिया वहाँ क्यों आ गई है? तो याद रखिए, जब एक शमा बुझने को आती है, एक शमा जो जल रही होती है, जब वो बुझती है तो बुझने से पहले भड़कती है, शमा जब बुझती है बुझने से पहले भड़कती है, भड़कने के बाद ख़त्म हो जाती है, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। ला तकूमु सा हत्ता तुस्बिह अर्द हिजाज़ मुरूजन व अनहारा, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तुम हरमैन में हरियाली ना देख लो, नहरें ना देख लो। अगर हरमैन में, अगर हिजाज़ मुक़द्दस में दुनिया आ गई, बुलंदो बाला इमारतें आ गई, तुम हैरान होते हो वहाँ फ़ख्र नहीं आया, आज बड़े बड़े होटल्स हैं, आज वहाँ की इमारतें आसमानों से बातें कर रही हैं, वहाँ तो दुनिया आ गई है, तो जो दुनिया आई है इसका मतलब ये है जब चिराग बुझता है, जब शमा बुझती है तो बुझने से पहले भड़कती है, ये उसके आखिरी शोले हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है। फरमाया जब दुनिया ख़त्म होने वाली होगी तो उस वक्त हिजाज़ में भी दुनिया आ जाएगी, क्योंकि ये शमा बुझ रही है, बुझने से पहले भड़कती है, जब भड़कती है तो रोशनी वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए था। हाँ ये दुनिया हर तरफ फैल गई, दुनिया का निज़ाम हर तरफ फैल गया, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में हमेशा फ़ख्र रहना चाहिए था। वहाँ फ़ख्र क्यों ख़त्म हो गया, वहाँ क्यों दुनिया आ गई? कहा यहीं दुनिया के खात्मे की दलील है कि हरमैन शरीफैन में भी बुलंदोबाला इमारतें आ गई, हमेशा वहाँ आजी रही, हमेशा वहाँ फ़ख्र रहा।